अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। वजीर कानून के ओहदे से रेजिग्नेशन देने वाले फरूख नसीम साहब ने भी 3 रोज बाद वापस ओहदे पर वो बहाल हो चुके हैं, लेकिन अब असल इम्तिहान जो है पार्लियामेंट से कानून साजी का होगा हुकूमत के लिए, जिसके लिए हुकूमत को अपोजिशन जमातों की हिमायत भी जरूरी होगी। सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि क्या अपोजिशन खुद गैर मशरूत तौर पर इस मामले में हुकूमत के साथ शामिल होगी, या हुकूमत के कुछ मुतालबात वो उनसे मुतालबात भी अपने मनवाने की कोशिश करेगी। अब इमरान खान ने कल ही इस फैसले के बाद एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद की, तो यहां सवाल ये उठाया जा रहा है कि खान साहब किस तरह अपोजिशन को इस मामले में साथ लेकर चलते हुए नजर आएंगे और ये बहरान किस तरह से हल होगा, जबकि तनकीद का जो है कोई हमें इख्तिताम होता नजर नहीं आ रहा। और ये जो अब क्राइसिस है, क्या ये जो लेजिस्लेशन क्राइसिस है, क्या ये सामने आ सकता है? हम इसी तमाम सिचुएशन पर बात करेंगे। ये जो हमारे सामने वर्डिक्ट था, उस हवाले से क्या चैलेंजेस सामने आएंगे हुकूमत के, और साथ साथ हम बात करेंगे एक और अहम डेवलपमेंट जो आज सामने आती है, उसमें हुकूमती पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया है कि आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के नामजद करदा कैंडिडेट्स उम्मीदवार का इंटरव्यू पहले लेगी, और फिर उम्मीदवार के पेश ना होने पर नामजदगी मुस्तरद भी तसव्वुर की जाएगी। अब इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से भी हम इसके तमाम एस्पेक्ट्स को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और फिर पार्टी फंडिंग पर भी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी का आज सेशन हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून को फंड्स फराहम करने वालों की जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं, और मुस्लिम लीग नवाज ने जो डिटेल्स देने के लिए टाइम मांगा है उसमें क्या ये डिटेल्स सामने आ सकेंगी। और फिर हमने ये भी देखा कि जो ओवरसीज हैं उनसे जो रकम फराहम करने के सवाल हैं, उस पर पार्टी का कहना था कि उन्हें बैरून मुल्क से किसी ने रकम नहीं भेजी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी जो जवाब तलब किया गया था, जिसके जवाब में पार्टी की जानिब से आज ये कहा गया है कि उनकी अमेरिका में कोई कंपनी नहीं, दूसरी जमातों के भी केसेस का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि किस हवाले से ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसमें कि तमाम तीनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं फंसी हुई, किस तरह से ये जो है आगे की जानिब जाएगा। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज करें, हम साथ साथ आज बात करेंगे कि कामयाब ऑपरेशन तो जरूर किए गए पाक अफवाज की जानिब से, जिससे हमने देखा कि मुल्क भर में दहशत गर्दी जो है उसका खात्मा भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह एक बार फिर लाहौर में अफसोसनाक वाकया होता है। चौबुर्जी के करीब एक रिक्शे में टाइम डिवाइस जो बम ब्लास्ट है वो किया गया, जिसकी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तस्दीक भी की है, और ये भी कहा है कि इसमें एक्सप्लोजिव है वो मवाद इस्तेमाल किया गया है। फॉर्चुनेटली इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तहकीकाती टीम्स जो हैं वो इस एक्सप्लोजन की नौयत का जायजा जरूर ले रही हैं कि आखिर ये एक्सप्लोजिव्स कैसे पहुंचे शहर के इस इतने मसरूफ इलाके में। साथ साथ हम बात करेंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अफगानिस्तान जो हैं वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आकर ऐलान किया कि तालिबान पीस टॉक जो है वो करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि मुज़ाकरात वहीं से शुरू होंगे जहां से खत्म हुए थे, तो अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसका क्या कयाम मुमकिन हो पाएगा, यानी हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब डॉक्टर जरका सोहरवर्दी साहिबा, स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आप लोगों ने आज का रन डाउन सुना, यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं आज से ज्यादा अगर हम पिछले 3 दिन की बात कर लें, तो हमने देखा था कि एक मैराथन ऑफ कोर्ट हियरिंग्स था जो कि एवरीडे बेसिस पर हुआ, और अहम फैसला जो है वो कल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन है, तकरूरी रीअपॉइंटमेंट का जो मामला था, उस हवाले से जो फैसला सामने आता है उस पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे यहाँ पर,
پر کہ ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ، کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے اس میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اور پھر حکومت کی جانب سے جو اشورنس کروائی گئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر لیجسلیشن ہوگی اور پاک افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی تعیناتی، ان کی اپوائنٹمنٹ یا ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن، ان کی سیلریز، ان کے انسینٹیوز، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ ان کو لا کے انڈر لے کر آئیں، یہ جو روایت کے طور پر کام اب تک ہوتا ہوا آ رہا تھا اس روایت کو جو ہے وہ کو مرج کرنا چاہیے اور لاز میں قانونی طور پر اس کو سامنے لے کر آئیں۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں ابھی تک آپ لوگ خاموش ہیں، کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی کسی حکومتی ممبر کی طرف سے ابھی تک اپوزیشن سے کوئی درخواست بھی ہوتی نظر آئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کل کے اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے کیا پرسپیکٹو ہے، کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو نیلم، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے جیسے کوسچن کیا کہ اب عدالت نے، سپریم کورٹ نے یہ چیز جو ہے وہ اب بھیج دی ہے حکومت کو اور ان کو کہا گیا ہے کہ حکومت سازی اب جو ہے وہ یا قانون سازی کریں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ امینڈمنٹ کر کے آپ سامنے لائیں، اور 6 منتھ کا ٹائم دیا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ 15 مہینے یا 16 مہینے جتنی بھی یہ گورنمنٹ رہی ہے اب تک کتنی قانون سازی ہو چکی ہے؟ سب سے پہلے بریچ آف لا، یہ ایک لا منسٹر جلدی سے ریزائن کرتے ہیں اور لائر بن کے آتے ہیں، جبکہ جو مجھے انفارمیشن ہے اکارڈنگ ٹو بار کاؤنسل، پہلے آپ کو ریزگنیشن دینا پڑتا ہے اگر اپنے عہدے سے، پھر آپ کسی آفس بیریئر کے لیے جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس رینیو کروانے کے لیے، لائسنس کے لیے آپ کو پھر سے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے راتوں رات کس طرح سے کام ہو رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، کہ وہ اپنی منسٹری چھوڑتے ہیں، لائر بن جاتے ہیں، پھر وہاں سے لائر سے چھوڑتے ہیں، منسٹری کے وہ اوتھ لے لیتے ہیں، یہ کس طرح سے چل رہا ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے، کون سی قانون سازی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی تک، جس کے لیے ہم لوگ بھی پریشان ہیں، عوام تو پریشان ہے ہی، کیونکہ ان کے اوپر مہنگائی کے اتنے بم گرائے گئے کہ وہ بےچارے اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ابھی آپ بجلی کے نرس دیکھ لیں، آپ میڈیسنس کے دیکھ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی کے 6 مہینے اسی طرح سے ہی گزر جائیں گے جس طرح سے یہ 15 مہینے گزرے یا 16 مہینے گزرے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ریسنٹلی سیشن اناؤنس ہوا تھا جو بنا بتائے ختم کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا اس آرڈر کو۔ اب یہ لوگ، ان لوگوں کو عادت پڑ کے آرڈیننس کی، تو یہ نہ تو سینٹ میں کوئی سیشن ہو رہا ہے جس پہ ڈسکشن ہو، نہ قومی اسمبلی میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے جہاں پہ ڈسکشن ہو، تو یہ ان دونوں بڑے ایوانوں کو تالا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی آرڈر آرڈیننس پاس ہو رہا ہے، جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ آرڈیننس فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں سے جو آرڈیننس پاس ہو رہا ہے یا جو آرڈیننس آ رہا ہے اس پہ یہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ 6 مہینے میں بھی کوئی 8-10 آرڈیننس لے آئیں گے اور اس پہ ہی کام کریں گے۔ آلرائٹ، یہاں پر جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے، یہ جو اب اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے اور ہمارے سامنے عدالتی فیصلہ بھی ہے، پھر کل پھر اس ورڈکٹ کے بعد جب حکومتی وزراء پریسر کرتے ہیں اس میں فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آرمی رولز میں ترمیم کے حوالے سے قانون سازی میں اپوزیشن کی جانب سے حصہ نہ لینا توہین عدالت ہو سکتی ہے، یہ اب جاتے جاتے فاروق نسیم صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن نے اس کام میں حصہ نہ لیا تو یہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، توہین عدالت کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ کیا حکومت کی جانب سے ایک کانسیکوینس بتایا گیا ہے، اور کیا پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ترمیم میں حمایت کے بدلے میں کچھ مطالبات کرتی نظر آئے گی یا آن پرنسپل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ بھی فروغ نسیم صاحب نے فرمایا، میں لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن میں ایک کامن سٹیزن کے طور پہ اپنی رائے جو دوں گا کہ جو میچیور ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پر جو پالیٹکس، پارٹی پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نیشنل انٹرسٹس کی، جب بات آتی ہے ایسے ڈیسیژنس کی یا جو کہ فار ریچنگ ہو، جو کہ نیشنل انٹرسٹ کو اوپر ان کا امپیکٹ ہو، تو وہاں پر سب لوگ جو ہے وہ مل کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور میں بھی یہی توقع کروں گا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اس میں بالکل جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے،
और उनको देखना चाहिए कि इस वक्त वक्त की ज़रूरत है क्या। अगर कोई इस बात को वक्त की नज़ाकत को नहीं समझता तो मैं उसको फिर कोई एक प्रोफेशनल ये पॉलिटिशियन नहीं समझता, वो एक अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है कि जो अपनी गवर्नमेंट के लिए मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरी तो इस मामले में ये राय है। लेकिन और पहली बात तो ये जी कुछ आप लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो मामलात अभी तक के नजर आ रहे हैं हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स है वो तो ऑपोजिशन और हुकूमत के का आपस में जो टीम वर्क जो चाहिए था वो नहीं होता हुआ नजर आया। ये लोग वो दो इलेक्शन कमीशन जो हैं उनके मेंबर्स नहीं तैनात कर सके या मिलजुल के बैठकर, तो फिर ये इतनी बड़ी जो एक लेजिस्लेशन होनी है उसमें कैसे टीम वर्क जो है होता हुआ नजर आएगा। और फिर हुकूमत ने आर्मी चीफ को मजीद 3 साल एक्सटेंशन देने का फैसला किया हुआ है, ऑलरेडी वो माइंड मेड अप लग रहा है उनका, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ऑपोजिशन भी उनके साथ अग्री करेगी कि एक्सटेंशन जो है वो 3 साल तक की हो इस 6 महीने के बाद जब ये 6 माह खत्म होंगे। देखिए मैं पहले तो यही बात कहूंगा कि ये जो इशू जो ब्रोच किया गया या इसको कोर्ट में लेकर जाया गया पहले तो यही गलत था। जब एक गवर्नमेंट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक फैसला किया हुआ था तो उसके ऊपर किसी को भी मैं अदालत शमूल उसको उस क्वेश्चन करने का किसी के पास जो है वो अख्तियार और हक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मैन मेड डॉक्यूमेंट है जो हमारे बेस्ट माइंड्स ने एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके जो है उसको आउटलाइन कर दिया। लेकिन कोई भी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता कि जो हर चीज़ को वो इतना खोल दे कि आप आने वाले वक्त में कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव के पास ऐसे सिचुएशन ज़रूर आएंगे कि उसको अपनी डिस्क्रिशन उसको अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखा यह जाता है कि क्या कन्वेंशन है, अगर या तो अगर उसमें रूल में लिखा होता कि जी वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, यस देन इट इज़ अ लॉ, लेकिन अगर ये नहीं लिखा right, तो उसकी डिस्क्रिशन right. थी, उसने एक्सरसाइज की, कोर्ट को इसमें अननेसेसरी ड्रैग किया गया, गलत किया गया मेरी ओपिनियन। ठीक, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा हमने देखा कि कोर्ट्स में जो परवेज कयानी है जनरल रिटायर्ड परवेज कयानी उनकी भी जो नोटिफिकेशन था एक्सटेंशन का वो भी मंगवाया गया और सवाल उठाया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक रवायत के तहत अब तक एक्सटेंशन होती रही हैं, माजी में जो हमारी प्रैक्टिस रही है रिवायत रही है, लेजिस्लेशन कहीं नहीं थी। तो फिर इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ की हकूमत को गफलत बरतने का बुरद इल्ज़ाम ठहराना क्या सही होगा, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी जो आपकी हुकूमत थी उन्होंने भी उसी प्रैक्टिस के तहत एक्सटेंशन दी थी जिसके तहत आज तहरीक इंसाफ दे रही थी जिस पर उन्हें जो है अदालत का सामना करना पड़ा। देखिए नीलम, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी नेशनल इंटरेस्ट को अगेंस्ट नहीं किया है। जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई, जहां पे एक पायलट को छोड़ने की बात थी या जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ज्वाइंट अपोजिशन हो, सब लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए थे, कभी भी अगेंस्ट नहीं गए। दूसरी बात यह है कि अगर रिवायतों की बात है तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये गवर्नमेंट उनको फुलफिल नहीं कर रही है, बहुत सारी रिवायात हैं जिनको ये अभी तक लेजिस्लेशन में ही, आप मैं नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ, नेशनल असेंबली में इन्होंने कितनी रिवायात को फॉलो किया है, अब तक किसी रिवायत को फॉलो नहीं किया, ये हर रूल को ब्रेक करते हुए आए। अगर इस तरह की बात है, और कितनी दफा इन्होंने कोई भी काम करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है, ये लोग तो सिर्फ यही नारा लगाते हैं कि पिछले लोग जो है जहां इनसे बात की जाए वहां पे सिर्फ इनकी तरफ से आवाज आती है, चोर चोर और एनआरओ नहीं देंगे, सिर्फ ये बात आ रही होती। कभी आपने देखा है कि इन्होंने कोई अच्छा काम करने के लिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया हो? ये अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन बॉर्डर पार जहां से इंडियन हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जहां से इनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, वहां पे इनको बात करने के लिए भागना है, उनको बात करनी है, वहां पे उनको अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए हर काम करना है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं कानून साजी करनी है या जो जितने भी हमारे इंटरनल वॉर्स हैं या इंटरनल इनसिक्योरिटीज हैं या आवाम के साथ जो प्रॉब्लम है उन पे कितनी दफा इन्होंने बैठ के अपोजिशन के साथ बैठ के कानून साजी की है या बात की है या रिवायत को फॉलो किया है। तो बात यहाँ पर आती है कि आप में कितनी, वो कहते हैं ना कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे अच्छी बात के लिए, हो सकता है अपोजिशन आपसे 2 कदम आगे
आगे आके मिल ले, तो इन्होंने क्या एक कदम भी बढ़ाया है? आप इनकी जो वुजरा है उनकी बातें असेंबली के अंदर सुन लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लें, सवाए एलिगेशन के इन्होंने और कोई काम नहीं किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम इनकी तरफ से नहीं हुआ है। अगर होता तो क्या लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, एक और जो एस्पेक्ट सामने उठाया जा रहा है इस तमाम पिछले तीन दिन की जो मैराथन कोर्ट हियरिंग्स थी उसके बाद, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या एक्सटेंशन को लीगलाइज करना ये बेहतर तरीकाकार है, या ये कि एक्सटेंशन को लीगलाइज नहीं करना चाहिए था और एक नेक्स्ट जो इन लाइन है, ऑब्वियसली इदारा शख्सियात पर मबनी नहीं है, तो जो नेक्स्ट इन लाइन होंगे वो भी कैपेसिटी रखते होंगे, कैपेबिलिटी रखते होंगे, उन तमाम अमूर पर उनको भी अबूर हासिल होगा जिन पर के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को है, तो क्या ये बेहतर ना होता कि एक्सटेंशन को लीगलाइज करने की बजाय जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको प्रमोट किया जाता और एक्सटेंशन की बजाय नए आने वाले की पोजिशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए ये तमाम कार्रवाई हो रही होती इस वक्त? देखिये नीरम, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इस चीज को या जो ये एक्सटेंशन हो रही थी नहीं हुई, इसमें अपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, जो कर रहे हैं इनके लॉ मिनिस्टर, इनके अपने मिनिस्टर, इतनी इनकी अपनी कैबिनेट, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं। तो जब ये लेकिन क्या आपको अपोजिशन को एज एन अपोजिशन आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि एक्सटेंशन की बजाय इदारे शख्सियतों पर नहीं चलते तो इदारे के कैपेसिटी रखते हैं जो नेक्स्ट इन लाइन होंगे वो भी अपनी जिम्मेदारियां उसी महारत से जो है वो निभाएंगे, तो क्या अपोजिशन को इस एस्पेक्ट को रेज नहीं करना चाहिए था? देखिए अपोजिशन को ये कभी ऑन बोर्ड लेंगे, कभी अपोजिशन के साथ मिलके बात करेंगे तो बात होगी ना, जहां अपोजिशन कोई बात करने लगती है इनके नारे लगना शुरू हो जाते हैं, पिछली गवर्नमेंट करप्ट थी, पिछले लोग चोर थे, पैसे हम वापस लेके रहेंगे, एनआरओ हम नहीं देंगे, इसके अलावा तो कोई बात करते नहीं है। अगर अपोजिशन अपनी अगर कोई बात करती ना तो इनको सबसे पहले ये बात करनी होती कि अपने जुर्म छुपाने के लिए, अपने जो चोरियां बचाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, इनको अपने लोगों को बचाना है, इसलिए ये लोग इस चीज के को भी सियासी रंग दे रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में तो यही बात है। मैं यहाँ पर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब, ये एस्पेक्ट मैं आपके सामने भी रखूंगी कि यहाँ पर हम एक्सटेंशन के लीगलाइज होने पर गौर कर रहे हैं, तीन दिन तक हम सारे जो है ये मैराथन होता हुआ देखते रहे और नोटिफिकेशन ठीक नहीं था, हमारा एम्फेसिस इस पर रहा, हुकूमत की गफलत पर जो एम्फेसिस रहा कि जी नोटिफिकेशन दर नोटिफिकेशन जो है वो समरीज ठीक नहीं लिख पा रहे हैं, बट ये एस्पेक्ट क्यों नहीं हाईलाइट किया गया कि एक्सटेंशन की जरूरत क्यों आ रही है, क्यों नहीं एक्सटेंशन को डिस्करेज किया जाए और जो नेक्स्ट इन लाइन सिपहसालार आने हैं वो भी उनकी भी वही कैपेबिलिटी होगी, वही कैपेसिटी होगी जो मौजूदा सिपहसालार की है, तो फिर हम क्यों इदारों को शख्सियतों तक महदूद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आप फरमा रही हैं मैं इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा इनसाइट नॉलेज है, मैं जो आर्मी की जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं मैं उसके अंदर सर्व कर चुका हूं और मुझे इन चीज़ों का बहुत इनसाइट एक्सपीरियंस है, और अगर रूटीन बात होती तो मैं हमेशा से इस बात को अपोज करता हूं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को भी देखें, आप मिलिट्री हिस्ट्री में भी चले जाएं तो कुछ आपको लोग नज़र आएंगे कि आपको इस्लामिक हिस्ट्री में खालिद बिन वलीद का जो परफॉर्मेंस है वो अलग नज़र आएगी, आपको फ्रेंच हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट की अलग नज़र आएगी, इसी तरह इंग्लिश हिस्ट्री में आपको वेलिंगटन की परफॉर्मेंस अलग नज़र आएगी, तो कुछ ख़ास मौके होते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट्स हैं वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज मैं ये बात कई दफ़ा आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यंग अफसर है वो हमसे बहुत बेहतर है जो हम एज यंग अफसर्स थे, लेकिन उसमें किसको क्रेडिट जाता है? जिन्होंने इनको ट्रेन किया, जो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में है जनरल बाजवा, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग रहे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जनरल रईल शरीफ ने इसमें जो है बहुत ज़्यादा तगो दो की, लेकिन जो जनरल बाजवा ने अनडाउटेडली एक अपने आप को प्रूव किया अपना मेटल, जो सबसे बड़ी बात है, ये बात काइंडली मार्क करें, जो इस वक्त खिचड़ी बनी हुई थी या जो इन्वायरमेंट थे, अगर जनरल बाजवा की जगह कोई भी होता पास्ट में आपने देखा है, मैं समझता हूँ उसकी ज़ाती तौर पे बहुत बड़ी ईगो को ब्रूज किया गया है
और अगर कोई भी होता तो वो मार्शल लॉ लगाता। ये उसकी मैच्योरिटी है, ये उसकी लव फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है कि जिसके लिए वो काम करना चाहता है, और उसने अपनी पर्सनल ईगो को भी इसके लिए सेक्रीफाइस किया है। इन मेरी ओपिनियन में इस वक्त जनरल बाजवा के कैलिबर का जनरल नहीं है कोई भी, और इसमें मुझे कहने में कोई तामल नहीं है। जितने जनरल्स इस वक्त हैं जो लाइन में, मैं सबको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, या वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या वो मेरे कुलीग रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं अपने इनफरादी तौर पर, लेकिन जनरल बाजवा के कैलिबर का इस वक्त जनरल आर्मी में और नहीं है। ये तो बड़ा अलार्मिंग आपने बात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कैलिबर का कोई और ऑफिसर मौजूद नहीं है पूरे हमारे पाक फौज के अदारे में। एनीवे हम आगे की जाने नहीं, एक मिनट मुझे कुछ कहने दीजिए, एक सेकंड। ये मकसद ये नहीं है, प्लीज सुने मुझे, ये मैंने अलार्मिंग बात बिल्कुल नहीं की है। जो बाकी जनरल्स हैं वो एट पार हैं एज पर दी रूटीन जो जनरल्स होते हैं। जनरल बाजवा इज मोर देन दी नॉर्मल जनरल्स, ही इज नॉट एट पार द एवरेज जनरल्स इन द वर्ल्ड, ही इज अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज द डिफरेंस। एंड इफ द आर्मी डज नॉट, इफ दिस नेशन डज नॉट वॉन्ट टू बेनिफिट, एंड देन इज अ लॉट ऑफ कंटिन्यूटी। सी योर ओन नेबर्स, आपके साथ में जो है उनके जो है जनरल को टेन्योर दिया जा रहा है, उसको एक्स्ट्रा 3 इयर्स दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं? उस जनरल से तो जनरल बाजवा की परफॉर्मेंस 1000 गुना बेहतर है। जनरल बाजवा का मिलिट्री डिप्लोमेसी में परफॉर्मेंस देखें, उसकी डोमेस्टिक जो है ट्रेनिंग में उसकी परफॉर्मेंस देखें, मोटिवेशन में देखें। Alright, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो दूसरों से बहुत आगे गई थी, बट उन्होंने शुक्रिया के साथ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी। बहरहाल मूविंग ऑन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पिछले 3 दिन हमारे सामने जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग नॉन स्टॉप और उसके बाद जो फैसला आता है उसमें अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर आयद होती है लेजिस्लेशन के हवाले से, जो कि कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर पाक फौज के सिपा सालार की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के हवाले से, उनकी जो सैलरी और जो इंसेंटिव है उसके हवाले से, जो रिवायत रही है अब तक जिस रिवायत को फॉलो किया जा रहा था उसको अब कानूनी तौर पर अमेंडमेंट करके उसको उसका इंदराज किया जाए। हम इस वक्त मौका देंगे जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव है, हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर जरका साहिबा ने, स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर जरका साहिबा क्या फरमाइएगा, आप अपना कंक्लूसिव आंसर दे दें तो हम आगे की जाने मूव ऑन करेंगे। ये जो अब हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद कर दी गई है और आपके पास 6 माह का वक्त है लेजिस्लेशन करने का, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि फेडरल हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उसके दरमियान ये टीम वर्क कैसे हो पाएगा लेजिस्लेशन पर, जबकि हम देखते कि जो हुकूमती वुज़रा की बयानबाजी है, और आज ही की मिसाल ले ले तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने अपनी ट्वीट्स में कहा है कि जनरल जलानी के साए में परवान चढ़ने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बोगस पर मबनी बयानात दाग रहे हैं, और इमरान खान हर मुहाज पर शातिराना चालों का मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे। तो अब ये जो लीगी तर्जुमान है उन्होंने ये भी कहा कि लीगी तर्जुमानों को अपने कायद के प्लेटलेट्स की बजाय सियासत की फिक्र पड़ गई है, और आज जिले सुभानी की सेहत से मुतालिक दुआ की अपील क्यों नहीं की। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि यहाँ पर, और कल शेख रशीद साहब ने बड़ा अग्रेसिव और हार्श स्टेटमेंट दी थी इस मामले को लेकर भी, तो ये कैसे आप लोग ऑपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में बैठकर टीम वर्क करके लेजिस्लेशन जो कि आपको करनी है 6 माह में वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया नीलम। बात यह है जी कि आपको याद होगा यही बातें हम कोई अरसा 6 महीने पहले सुन रहे थे कि बजट कैसे पास होगा, ये तो सारी ऑपोजिशन है, आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास तो वो नहीं है, पार्लियामेंट में हो गया ना बजट पास। बात यह है कि मेरी बहन डॉक्टर शाजिया की मैं बातें सुन रही थी, ये सब बातें कहने की हैं, ये जो रिवायात जिनका वो जिक्र कर रही हैं, रिवायात वो हैं जो मुकमुका की रिवायात हैं, रिवायात हैं कि आपकी ऑपोजिशन और आपकी जो जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो एक ही पेज पे होते हैं, अपने जाती कामों के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन नेशन के लिए कुछ नहीं करते। पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक, जब हम ऑपोजिशन में थे तो वी वर द रियल ऑपोजिशन, और अब जब हम गवर्नमेंट में हैं तो हम मुकमुका नहीं कर रहे,
पर यही तो सारा रोना है, सारा रफड़ ही इस बात का है कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमसे मुकमुका क्यों नहीं करती, ये हमारे साथ हमारे हमें मराहत क्यों नहीं देती जो हम चाहते, हमारा एहतसाब बंद करें, ये जो एक हमारे खिलाफ हमारे से जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है ये बंद करें, आज हम बंद करें कल ये सारे हमारे दोस्त हैं ये सब हमारा हिस्सा बनेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस कौम की तवक्कोआत लेके आए हैं, इस मुल्क के आम शहरी जो इंसाफ चाहता है, जो देख रहा है 70 साल से किस तरह से उसको प्लंडर किया गया है, उसके हकूक को पामाल किया गया है, और यहाँ पर बाहर से पाकिस्तान के नाम पे लोन्स लेके पाकिस्तान में डॉलर फेंक के पाकिस्तान की डॉलर की कीमत कम करके अपने पैसे बाहर ले जाके मनी लॉन्ड्रिंग से जिस तरह से इन्होंने ये पूरा एक सिस्टम चलाया हुआ था सिर्फ इसलिए कि अपने इनके जाती कॉफर्स बढ़े और ये अमीर हो और मुल्क गरीब हो, अब ये नहीं होगा। अब इस एक सवा साल में जिस तरह से पाकिस्तान एक पटरी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और चढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि जब हमने डॉलर को फ्री किया तो डॉलर ऊपर गया और अब कैसे नीचे आ रहा है, और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आप देख रहे हैं किस तरह लोगों का इंटरेस्ट हमारे मुल्क में आ रहा है। और तो ये जो मैं डॉक्टर शाजिया साहिबा को रिस्पॉन्स टाइम दूंगी यहाँ पर, डॉक्टर जरका साहिबा होल्ड ऑन एक क्विकली आपके आने से पहले, सिंस आने में थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया, हम जी मैं माजर चाहती हूँ, जिस पर हम हुकूमत का रिस्पांस लेना चाहेंगे, इट्स ऑलराइट, जिस पर हम रिस्पांस लेना चाहेंगे हुकूमत का, कि फरुख नसीम साहब ने कल अपनी प्रेस टॉक में ये भी कहा है कि ये आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस में तरमीम के हवाले से कानून साजी में ऑपोजिशन की जानिब से हिस्सा ना लेना तौहीने अदालत हो सकती है, ऑपोजिशन ने हिस्सा ना लिया तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये क्या फरूख नसीम साहब जो हैं ये जाते जाते ऑपोजिशन को उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताकर गए हैं लेजिस्लेशन में साथ काम ना करने का, या ये जो है हिमायत के हवाले से उन्होंने अप्रोच किया है, क्या फरमाइएगा? उन्होंने तो जी एक लीगल, उन्होंने आपको बताया कि अगर ये ना हुआ तो ये होगा, लीगली तो लोग इस तरह की बातें करते, देखें इस उन्होंने तो किसी को कोई धमकी नहीं दी, हमें आपको भूल गए निहाल हाशमी साहब जो कहते थे कि हम अदलिया की टांगे तोड़ेंगे, हम इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, इन्होंने हम ये तो 3 साल रहते हैं, हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे, ये ना भूलें, जब लोग बातें करते हैं तो अपनी पिछली बातें भूल जाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाके अदलिया में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस सईदुज्जमान थे जब, तो इन्होंने जाके वहां पे हमला किया था, कुर्सियां तोड़ी थी। तो इस मुल्क में जो रवायात है वो किसी तरह से भी वो नहीं है जिनको हम इज्जत से देखेंगे, यहां पर सामने कुछ और होता है, पसे पर्दा कुछ और चल रहा होता है। तो इस दफा, और मैं एक बात की जरूर तारीफ करना चाहूंगी कि इस दफा जो चीफ ऑफ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, और जिस तरह से तीनों इदारे, ठीक है मैं जनरल साहब की भी बात से एग्री करती हूं, मगर एक हर इदारे ने अपना रोल किया है और उसकी तरह से आपकी एग्जीक्यूटिव चलेगी, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना, जिस तरह से उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया है वो बहुत आला है, उनके आला ज़र्फ का इससे पता चलता है कि उन्होंने बर्दाश्त की, उन्होंने कोई आगे से कोई उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, कोई और उन्होंने सेंटिमेंट का इजहार नहीं किया, और गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव का तरीका है आईन के मुताबिक वो चल रहा है और वो चलना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये भी उठाया गया है इस तमाम मामले को लेकर के खान साहब जो है उनके प्रीवियस हमारे पास शॉर्ट्स भी मौजूद है कि वो एक्सटेंशन के बड़े मुखालफत करते थे, और आज वही खान साहब जो है एक्सटेंशन की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह का, इसको फिर यू टर्न भी कहा जाता है, फिर आपकी हुकूमत के हवाले से यू टर्न का मामला भी ले आया जाता है, तो ये चेंज ऑफ माइंडसेट क्यों होता हुआ नजर आता है हमें? बात यह है जी कि जो लोग बड़े लीडर होते हैं जिंदगी में, आप और मैं भी जब हम डिसीजंस लेते हैं, हर डिसीजन इट इज द बेस्ट डिसीजन एट दैट टाइम, उस वक्त के हालात के मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं, और अकलमंद और बड़ा आदमी वही होता है जो हालात के मुताबिक, जब हालात बदलते हैं तो आपके डिसीजंस भी बदलते हैं। आप जिस वक्त देख रहे होते हैं कि यही वही लोग हैं, अब तालिबान के साथ आपने मुजाकरात भी किया, अब आप देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी हुकूमत जो समझदार हुकूमत है, जो अकलमंद इंसान है, वो हमेशा हालात के मुताबिक बेस्ट डिसीजन लेगा, और आपका कोई डिसीजन, जो आदमी फ्लेक्सिबल नहीं होता या जो इंसान या जो इदारा, तो वो दुनिया में चल ही नहीं सकता। डॉक्टर शाजिया साहिबा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और फिर ये भी बता दिया गया आपको कि अगर ऑपोजिशन ने हिस्सा ना लिया इस लेजिस्लेशन में तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है।
सबसे पहले तो देखिए नीलम, मैंने आपको इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि अगर अपोजिशन किसी भी तरह से बात करती तो उनको क्या बात कही जाती, कि अपनी मुखमुखा के लिए ही इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वही बात अभी डॉक्टर साहब ने भी की है। मैं इनको अकाउंटेबिलिटी के लिए थोड़ी सी चीजें रिमाइंड करवाना चाहूंगी। इससे पहले मैं इनके जो आप अभी उन्होंने अपने लीडर के लिए जो कसीदे पड़े हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि जो यू टर्न होता है वो यू टर्न ही होता है। जब वो अपोजिशन में थे तो उनको नहीं पता था कि गवर्नमेंट किस तरह से चलाई जाती है। अब जब उनके ऊपर बात आई है तो फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अब डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी के लिए इनको याद दहानी करवा दूं कि जब मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने लगता है तो वो रोक दिया जाए, फॉरेन फंडिंग केस हो तो उसको भी रोक दिया जाए, मालम जपा केस, बीआरटी, पिशावर बीआरटी हो तो उसके लिए कोई चीज ना हो, कोई इनके गुजरा को हाथ ना डाले, जो सबसे मेन हैं जनाब परवेज खटक साहब जिनके लिए केस चल रहे हैं वो ना खोले जाए। और हम लोग की बात कर रही थी तो इन्होंने शायद पीटीवी पर और पार्लियामेंट पे भी इनकी गवर्नमेंट ने अभी पुरानी जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उन्होंने हमले किए थे मेरे ख्याल में, और अलीमा खान साहिबा से भी कोई एनआरओ वगैरह की बात ना की जाए। तो ये देखिए ना, अकाउंटेबिलिटी की जब आप बात करते हैं और मुखमुखा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप बात करें तो फिर आप बर्दाश्त भी किया करें। आप इनकी पुरानी स्टेटमेंट उठा के सिर्फ इनको एक दफा सुना दें तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा जो है वो दोबारा बोलेंगी नहीं। और उनके पास मेरे ख्याल में ये मैं ये समझती हूँ कि हक भी नहीं है कि वो इस चीज को डिफेंड करें कि जो जो उनकी गलतियां हैं। अब फरूख नसीम साहब की आपने बात की तो फरूख नसीम साहब तो मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब के भी लॉयर रहे हैं, मुशर्रफ साहब को बाहर भिजवाने के लिए लॉयर रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ पीटीआई को हुई थी। अब जब फैसला आने लगा तो रोका किसने? हुकूमत ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात गई। तो जब उनको एक चीज दी गई थी कि आके अपने आप को डिफेंड करें तो वो क्यों नहीं आए थे? तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जब बोलने पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी और फिर पता चलेगा कि कहां किसने मुखमुखा किया था। चलिए हम नजर रखेंगे कि अब आगे इस मामले को लेकर हुकूमत और ऑपोजिशन किस तरह से इसको डील करते हुए नजर आते हैं। इस लेजिस्लेशन को 6 माह से कम टाइम में भी ये काम हो सकता है, जिसका कि हमें अंदिया भी दिया गया हुकूमत की जानिब से कि शायद 1.5 माह में ही हो जाए। बट मूविंग ऑन, यहाँ पर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब, हम अपने अगले टॉपिक की जानिब भी जाएंगे। हमने देखा है कि आज एक और अहम डेवलपमेंट होती है, उसमें हुकूमती पार्लिमानी कमेटी ने अब फैसला किया है कि जो जज अपॉइंटमेंट्स है, जज जो तैनात होंगे उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के नामजद करदा बंदे को पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होना होगा। और जो फिर जो नामजद उम्मीदवार होगा अगर वो पेश नहीं होते तो ये जो नामजदगी है ये सस्पेंड भी हो सकती है, मुस्तरद भी तस्वर की जाएगी। तो ये आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आप देखें जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वो जो है आर्म फोर्सेस का है, और आर्म फोर्सेस में आपने देखा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो 3-4 जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको जो है उनको इंटरव्यू भी करता है, उनसे बातचीत भी करता है और फाइनली अपना डिसीजन देता है। अभी आपने देखा कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है एक वो सुपरसीड हुआ है, लेकिन जुडिशरी में ऐसा है कि एक लाइन में आप लग जाएँ और आपके खिलाफ कुछ भी आता जाए तो आपने चीफ जस्टिस बनना ही बनना है। तो इसमें तो नेचुरली ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और मैं देखता हूँ कि चीज़ें जो है वो इस गवर्नमेंट पे जितना भी आप क्रिटिसाइज़ करें, मैं आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ में मैं बिल्कुल भी राय देने के लिए मैं हक नहीं रखता, और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो बेहतरी की सिमत में और मुस्बत सिमत में जा रही हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो इस वक्त एक शोर है कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड नहीं है, वो जो है गवर्नमेंट वाले लोग जो है उनको कुछ एग्जेम्पशन मिल रही हैं, लेकिन वक्त आने पर देखेंगे कि सबको जो है अगर जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है तो इंशाल्लाह मुझे तो नजर आता है कि सब चीज़ें जो अक्रॉस दी बोर्ड होने। लेकिन डॉक्टर जरका साहिबा आखिर जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो नामजद कर रही है तो फिर हुकूमती पार्लिमानी कमेटी को ऑन टॉप ऑफ दैट जो है क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि उस नामजद बंदे को फिर हुकूमती पार्लिमानी कमेटी जो है वो दोबारा असेस करे? देखिए जी, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह से अदलिया के जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं
तो हर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना एक दरबार लगा लेते हैं, उसमें वो लोग स्कूलों से लेकर अस्पतालों का तो एहतसाब कर लेते हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में आप मुझे बताइए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 38,000 केसेस पेंडिंग हैं, आपकी 5 हाई कोर्ट्स में इस वक्त 2,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, और जो लोअर कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उसमें 18,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, और आप मुझे बताइए कि हमारे चीफ जस्टिस साहब, मैं बसिद एहतराम कहती हूँ, उन्होंने उस दिन कहा कि हमने 3 प्राइम मिनिस्टर्स के केस हमने फारिग किए। आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर के केस तो आप बड़ी खुशी से फारिग करते हैं, लेकिन आम आदमी की आवाज कौन सुनता है? आम आदमी, अगर आपका कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर बीमार हो जाए तो उसको तो मुल्क से बाहर भेज देते हैं हमारे लोग, लेकिन जो आम आदमी जो जेलों में गर्ल सड़ रहे होते हैं उनका हिसाब कौन करेगा? उनको कौन इंसाफ देगा? इस मुल्क में आम आदमी को इंसाफ देना पड़ेगा। ये अगर आप ये मेरी बात मुकम्मल होने दें तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज ही कहते हैं मुल्तान बार में लॉयर से खिताब के दरमियान, वो कह रहे हैं कि माजी में केसेस कम थे, जज तसल्ली से सुन लेते थे, अब केसेस में इजाफा हो गया है और जजेस की तादाद कम है। वो तो बल्कि उन्होंने तो तारीफ भी की है कि बहुत अहम नुक्ता जो है उनकी जानिब से भी उठाया गया था कि कुछ दिन पहले जब वजीर आजम ने चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होकर कहा था कि परसेप्शन को चेंज करें, तो ये वो तो कह रहे हैं कि कार्रवाई जो होनी चाहिए जजेस के हवाले से वो हो रही है। बहुत अच्छी बात है जी, और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, अब देखिए पाकिस्तान अब 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, अगर हमारी पिछली हुकूमतें जिनका डॉक्टर शाजिया बड़े खुशी से जिक्र कर रही हैं, 18वीं तरमीम तो ले आए लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग कोई ना की, 18वीं तरमीम तो ले आए लेकिन प्लानिंग आपने कोई ना की, आपका हाल ये है कि सिंध जहां आप पिछले 11 साल से हुकूमत में हैं, क्या किया आपने सिंध में आपने कुछ भी नहीं किया, वहां पर ना चाइना कटिंग आपने बिल्कुल की, डॉक्टर आसिम हर तरह के मराहत और LPG और पेट्रोलियम के मुताल जो कुछ हुआ, ओमनी ग्रुप ने जो कुछ किया, फरियाल तालपुर साहिबा ने जो कुछ किया, उनका तो आप एहतसाब नहीं होने देते, और आपके अपने सूबे में जो हालात हैं, थर के जो हालात हैं, अस्पतालों के कूड़े के जो हालात हैं, आप मुझे बताइए क्या जवाब है इनके पास? बातें करना बहुत आसान है, डिलीवर इन्होंने क्या किया? हमें 1 साल हुआ है हम एहतसाब के कटहरे में सारा वक्त खड़े रहते और हम खड़े रहेंगे। लेकिन डॉक्टर शाजिया नाउ जी, डॉक्टर शाजिया साहिबा क्विकली एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और फिर जो हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है हुकूमती पार्लिमानी कमेटी का दोबारा से जो रीअसेस करना है जजेस की नॉमिनेशन का, तो इस फैसले का मकसद क्या समझा जाए, और फिर इस फैसले को क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो तस्लीम कर लेगी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जरका को थोड़ा सा बता दूं कि जहां पे आपने बात की ना इंसाफ की, तो देखिए PMDC के 300 से ज्यादा मुलाजमीन जो हैं वो उनके मेरे ख्याल में आज 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए हैं वो बैठे हुए हैं धरने में, क्या हुकूमत की तरफ से कोई गया? बात कर रही है इंसाफ की और डिलीवर करने की बात कर रही है, तो एक अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 5,00,000 मेल न्यूट्रिशन केसेस जो हैं वो यूनिसेफ ने किए हैं KPK में, वो 1 साल में हुए हैं ना, उससे पहले तो नहीं थे। दूसरी बात है, आप पिछले 5 साल वहां पे हुकूमत कर चुके हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की एक रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान पहले 113 नंबर पे था, जो इनकी गवर्नमेंट में माशाल्लाह से 116 नंबर पे आ चुका है। तो ये चीजें अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा जाके रिव्यू कर लें, अपने असिस्टेंट से पूछ लें, तो वो इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। दूसरी बात आपने की इसका जवाब दे देती हूं, ये इन इस गवर्नमेंट के नए नए ड्रामे हैं, ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, इनसिक्योरिटी है, जब ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते हैं ना तो ये ब्लेम करते हैं, और इसी तरह की जो इन्होंने ये पार्लियामेंट कमेटी के सामने करने की जो बातें की हैं, ये भी इनका एक नया ड्रामा है, और ये एक नई चीज इन्होंने सामने रखी है कि ये इस तरह से होगा, जबकि ये कुछ खुद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया साहिबा, डॉक्टर जरका साहिबा और जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, एक और MDT जो हमें डिस्कशन में लाना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पार्टी फंडिंग केस है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की फंडिंग का जायजा लिया जा रहा है, और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है फंडिंग के रिकॉर्ड्स जो है वो पेश किए गए हैं। हम इस मामले पर भी नजर रखेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, सी ऑल नेक्स्ट वीकेंड, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।